और बच्चों क्या हाल, स्टार्ट करते अपन लोग है ना एक और लेक्चर के साथ में। बेसिकली ये फोर्थ लेक्चर होगा हम लोग जो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसका ही, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कह लो तो है ना, फोर्थ लेक्चर होगा उसका। इस वाले लेक्चर पर अपन कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो। जैसे हमने बात करी ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज का आप पता है मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये कहलाता है मॉलिकुलर फार्मूला, है ना। मॉलिकुलर फार्मूला मतलब कितने नंबर ऑफ उसमें एटम्स प्रेजेंट है, हर एक एटम्स के बारे में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कार्बन 6 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन इसमें 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग एम्पेरिकल, इसको कहेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। और अगर मैं रेशियो वाइज लिखूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बन एच टू है ना, कार्बन एच टू हाइड्रोजन एच टू ऑक्सीजन के बारे में, तो कार्बन कितना है 6 है ना, 6:12:6 ऐसा रेशो आ जाएगा, है ना। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन फिर से 6 है। तो अगर मैं इनका रेशो ले लूँ, इनका क्या ले लूँ, रेशो ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1:2:2:1 का रेशो। तो अगर मैं इस रेशो का इस्तेमाल करके लिख दूँ, जैसे 6 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन फिर से 1, एक एक लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH2O। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा जिसमें हमने सिर्फ रेशो को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना एटम्स के, उसको कहेंगे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसको हम कहेंगे क्या, एम्पेरिकल 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 फॉर्मूला। समझ में आ गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया। यानी अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज है आपके पास, अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज है तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या आएगा, मॉलिकुलर फार्मूला का शॉर्ट में हम MF लिखा करेंगे, C6H12O6। और एम्पेरिकल फार्मूला को हम शॉर्ट में EF बोल रहे हैं। ठीक है, वो कितना आ रहा है, CH2O। अगर मैं इस एम्पेरिकल फार्मूला में कितने का मल्टीप्लाई करूँ, कितने का मल्टीप्लाई करूँ तो कि मॉलिकुलर फार्मूला बन जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दिख रहा है ना, रेशो में भी सेम कहानी आ रही है। तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँ, सिक्स का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आ जाएगा है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला में है ना एक पर्टिकुलर फैक्टर का मल्टीप्लाई करूँगा, एक नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिल जाएगा, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इसको मैं एन बोल देता हूँ अभी। ठीक है, तो अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला में एक एन का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो ये फार्मूला, ये समझ में आया फार्मूला कैसे बन गया, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पेरिकल फार्मूला इनटू में एन। और एन क्या है, कोई फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर है ना, समझ रहे हो, कोई कॉमन फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एन की वैल्यू मैं एक्स भी बोल सकता था, है ना, मैं एक्स लिख दूंगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बोल देता हूँ इसको, एक्स बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं एक्स निकालना चाह रहा हूँ तो एक्स क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फार्मूला का रेशो, है ना। एन को अगर एक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला बाय में एम्पेरिकल फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला बाय में एम्पेरिकल फार्मूला, समझ गए। अच्छा, अब अगर मैं ग्लूकोज का C6H12O6 का मॉलिकुलर वेट पूछूं आपसे, क्या पूछूं, मोलर मोलर वेट पूछूं, मोलर मोलर वेट पूछूं या मोलर मास हम पूछें, तो कितना हो जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम, है ना। कार्बन का कितना होता है 6, और एक का कितना, 6 कार्बन और एक का कितना होता है 12, ठीक है। और उसी तरीके से हाइड्रोजन का कितना होता है 1 12, है ना। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है 6, और एक का ऑक्सीजन कितने 6 और कितना होता है एक ऑक्सीजन का, कितना होता है 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 C का कितना होता है 6, 12 C का कितना होता है 72, है ना। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 × 6 मतलब 5 मतलब 80, और 80 + 16 कितना हो जाएगा 96। तो कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10, ये कितना हो जाएगा 7 8 9 9 9 18, यानी 180, समझ रहे हो। तो कितना आ जाएगा 180। तो इसका मोलिकुलर मोल है ना, इसका जो मोलर वेट है वो कितना आ जाएगा, मोलर वेट या मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 180 ग्राम्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर मान लो मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला बोलूँ, क्या बोलूँ, एम्पेरिकल फार्मूला यानी CH2O, तो इसका जो वेट आएगा कितना आएगा, 12 × 1 कार्बन के लिए, 2 × 1 काय के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और 16 × 1 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो कितना आ जाएगा, 12 + 2 + 16, यानी कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 10, और ये कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो एम्पेरिकल वेट कितना आ जाएगा, एम्पेरिकल
वेट कितना बोले, इसको बोलेंगे एम्पेरिकल वेट, वेट या एम्पेरिकल मास या वेट, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है। कितना आ रहा है, 30 ग्राम। ठीक है, अगर मैं 30 को इस पर्टिकुलर 6 से मल्टीप्लाई करता है, जो n निकल के आया था यहाँ पे, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये वापस यही आ जाएगा, 30 इंटू में 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 1 0 180। यानी मैं चाहूँ तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एम्पेरिकल मास में अगर मैं एक उसी x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, मॉलिकुलर या मोलर मास आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि x कितना आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पेरिकल मास। तो आपके पास दो चीज़ें समझ में आई क्या, क्या आप एक तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको और ढंग से समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो एक तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो और एक ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे अगर मान लो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, या तो आपको मॉलिकुलर वेट दे देगा, एम्पेरिकल वेट दे देगा, और एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ हिंट देके रखेगा। तो आप एक्स निकालेंगे एक बार और दूसरी बार फिर उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला से। चलो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके क्वेश्चन करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपको, मैंने बोला एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कितना है, एम्पेरिकल फार्मूला आपको बोल दिया है कि CH2 है, ठीक है, और मैंने आपको वेपर डेंसिटी दे दी है, मतलब मैंने आपको इनडायरेक्टली मॉलिकुलर वेट दे दिया है ना, कितना 14, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो आप पता कर सकते हो क्या इसको, सिंपल है। देखो आप वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी 14, आपको पता है मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 14, यानी कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला ये दे रखा है, यानी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ एम्पेरिकल मास क्या होगा, एम्पेरिकल मास क्या होगा CH2 का, है ना, कितना हो जाएगा, 12 + 2 यानी 14, ठीक है। मुझे इसमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 28 आ जाए, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, या फिर हम सिंपली x निकाल रहे हैं, यही 2 आपका x होगा, आप डायरेक्टली फार्मूला से निकाल दो, x क्या बताया था मैंने आपको, मॉलिकुलर फार्मूला या मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय में एम्पेरिकल वेट, मोलर वेट कितना निकल के आया, 28, एम्पेरिकल वेट कितना निकल के आया, 14, कितना आ जाएगा, 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मॉलिकुलर फार्मूला पता करना है, मॉलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा आपका, है ना, 2 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, 2 इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला कितना है, एम्पेरिकल फार्मूला आपका है CH2, यानी CH2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो CH2 को मल्टीप्लाई करना है 2 का मतलब ये है कि कार्बन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन को कितने से, 2, तो 2 को मतलब इसका जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 2 4। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन इसमें, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन से, अ कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई हैज इक्वल मासेस ऑफ देम, ठीक है, यानी कोई कंपाउंड है एक्स और वाई का जिसमें एक्स और वाई का मास जो है वो सेम है, ठीक है, इफ देयर एटॉमिक वेट आर 30, एक्स उसका 30 है ना, उसका जो एटॉमिक वेट है 30 है और वाई का एटॉमिक वेट कितना है, 20 है, है ना, और कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का वो बताना है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। देखो कोई कंपाउंड अपने पास एक्स और वाई, ठीक है, इनका जो मास है, इसका जो वेट है वो कितना है, अच्छा x और y का सेम है, तो मान लेते इसका मास m है तो इसका भी मास m ही रहा होगा, सेम है तो कुछ भी बोल दो, है ना, रेशियो निकलना है वो निकल जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला यही करा जाता है। अच्छा इनका जो मोलर वेट है, मोलर वेट वो कितना दे रखा है, x का कितना दे रखा है, x का दे रखा है 30 और y का कितना दे रखा है 20, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला पता करना है, तो मैं क्या करूँगा इनका, है ना, रेशो लूंगा, क्या लूंगा, मोल्स की बात करेंगे, सबसे पहले मोल्स की बात करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिकुलर वेट, मास अपॉन में मॉलिकुलर वेट, फिर जो मोल्स का रेशो होगा वो इनके एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा, ठीक है, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला में उतने अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होगा, जैसे अगर मोल्स का रेशो आता है 2:1 का, ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, X2Y, है ना। चलो अभी करते जाओ, मास कितना दे रखा एम और मॉलिकुलर फार्मूला कितना दे रखा, मोलर वेट कितना दे रखा 30, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा एम बाय में 20। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनका मोलर रेशो लूँगा, क्या मोलर, ऐसे क्वेश्चन में आपको 4 स्टेप भी फॉलो करना है, पहले मास लिख लो, मोलर वेट लिख लो, मोल लिख लो, फिर मोल रेशो निकाल लो, ठीक है, मोलर रेशो या मोल रेशो कह सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका रेशो निकालना है, ठीक है, तो कितना आया था एम बाय 30
और कितना आया था m बाय 20। तो या तो कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या सबसे छोटा कौन होगा इनमें से m बाय 30, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होती है रेशो उतना छोटा आता है। तो इसको भी छोटे से डिवाइड कर दो यानी m बाय 30 से डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो m बाय 20 से, है ना, m बाय 30 से, 30 से दोनों को सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। गलती से जल्दीबाजी में बोल दिया, लिख दिया, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2, यानी कितना रेशो आएगा 1:3:2, यानी इसको बोल सकता हूँ 2:3, 2 को इधर लेके आ जाओ या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2:3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x और y का जो रेशो है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, x अगर 2 है तो y इसका रेशो क्या है 2:1 का, 2:3 का रेशो है, तो अगर x 2 है तो y कितने होंगे 3। तो ये क्या निकल के आ गया इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या निकल के आ गया इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग, है ना, कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, ठीक है, कोई ऑक्साइड अपने पास सल्फर, जैसे सल्फर SO2 होता है, SO3 होता है, वैसे ही है ना, 50% सल्फर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेम तरीका करने का, मान लो कोई ऑक्साइड अपने पास S और O मान लेते हैं, सल्फर और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, सल्फर का ऑक्साइड मतलब SO2 SO3 जैसे होगा, तो सल्फर ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कह रहा है मास जो है, मास का जो रेशियो है वो कितना है 50% है, यानी आधा है, यानी कुल मिलाकर अगर इनका मास m रहा होगा तो यह तो ये m बाय 2 रहा होगा, ये भी m बाय 2 रहा होगा, और या तो और सिंपल तरीका, आप सिंपल लिख दो इसको 50% है तो इसको 50 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जितना परसेंट उतना होगा, रेशो निकालना है, रेशो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मास इतना दे रखा है। मॉलिकुलर वेट की बात करूँ, मोलर वेट की बात करूँ, तो सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है अपना, है ना, 16। तो अब अगर मैं मोल्स की बात करूँ, मोल्स की, तो मोल्स कितना हो जाएगा मास अपॉन में मॉलिकुलर वेट, और ये भी कितना हो जाएगा मास अपॉन में मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्या करना है अपन को, उनका मोलर रेशो निकालना है, मोल रेशो इसको कह सकते हैं, सिंपल मोल रेशो निकालना है। तो कितना निकल के आ जाएगा 50/32 और यहाँ कितना आया था 50/16, या तो कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, और या तो आप सबसे जो छोटा आएगा, कौन छोटा आएगा, दिस वन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 32 बड़ा है, तो इसको भी 32 इससे डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो 50/32 से, ये तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1, इसमें 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 32 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 2 ऊपर की तरफ, तो कितना आ जाएगा 1:2:2 का रेशो। यानी कि अगर मैं बात करूँ, सल्फर अगर 1 है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, तो यानी ऑक्साइड कौन सी होगी SO2, तो आप ऑप्शन में क्या टिक लगा के आगे बढ़ेंगे SO2, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, अपने पास कोई है ना हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मासेस कह रहा है कि भैया है ना 80% मास है, तो मास को हम जितना परसेंट उतना ही कह देते हैं, तो 20% ये होगा, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि अब मेरे ख्याल से सब एक ही तरीका है करने का, मतलब तो है ना, मॉलिक्यूलर लोड कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, मोल्स क्या होंगे, मोल होंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर लोड, यानी 80/12, ये कितना हो जाएगा 20/1, मोल्स का रेशो निकालना है अपन को, मोल्स का रेशो निकालना है तो कितना बचेगा 80/12 इंटू में, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/12, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आपको जो ठीक लग रहा हो, है ना, तो आप एक काम करो उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 × 24 यानी 240 और ये कितना हो जाएगा 80, यानी अगर हम रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1:3 का रेशो, कितना आ जाएगा 1:3 का रेशो, यानी अगर मैं बात करूँ कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 3, यानी इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH3। बात समझ में आ गई क्या था? अच्छा सुन ना, अगर मान लो मैं आपको ऑप्शन देके रखता, अगर मान लो आपको ऑप्शन देके रखे होते, पहला फर्स्ट ऑप्शन देके रखता CH4, दूसरा ऑप्शन में देके रखता आपको C2H4 और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको देके रखा C2H6, चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है C2H2, तो बताओ ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? ये तो CH3 आ गया, CH3 तो कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा, अरे क्या हो गया, रुको, CH4 आप लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला पता पड़ा है, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, C2H6 हो सकता है, यह हो सकता है C3, और इसको आप 3×3 = 9 कर सकते हो, तो C3H9 हो सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब मल्टीपल पे होगा इसी चीज़ के, तो ये तो हो नहीं सकता, C2H4 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही तो पॉसिबिलिटी दिख रही है थर्ड की, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, तो दिस इज द
मॉलिकुलर फार्मूला, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला। ये तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता पड़ गया था, एम्पेरिकल फार्मूला पता पड़ा था। जल्दीबाजी में आप ये लगा के बढ़ोगे आगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि पूछ क्या रहा है। उनने बोला हाइड्रोकार्बन इज दी, कौन सा हाइड्रोकार्बन हो सकता है, तो मॉलिकुलर फार्मूला की बात कर रहा है ना, और आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता पड़ गया, आप मॉलिकुलर फार्मूला पता लगा सकते हो, कॉमन सेंस है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म से या पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, टू। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला आप समझ गए नहीं समझे, समझ गए। एक और क्वेश्चन लिखो, है ना। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम हैज 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मेटल एम हैज एटॉमिक वेट ऑफ 24, द एम्पेरिकल फार्मूला तो कंपाउंड इज, ठीक है। क्या है भैया, सेम तरीका, मेटल है, ऑक्सीजन है, मास बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जो है 40% है ना। हाँ सही है, 40% है। क्या है ये मास, तो 60% ये होगा इसका मतलब, ठीक है। जितना परसेंट है उतना ही मास बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो में भी बोलोगे 6:4 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना। या 3m बोलोगे इसको, 2m बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना रे। मॉलिकुलर वेट की बात करो, मॉलिकुलर वेट कितना होता है मेटल का, वो 24 दे रखा है, और ऑक्सीजन का कितना होता है पता ही है अपन को, 16 होता है। मोल्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 बाय में 24, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 40 बाय में 16। समझ रहे, मुझे अब क्या करना है, मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कितना हो जाएगा, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो छोटे से, और नहीं तो एक काम करो, इसको आप बोल सकते हो 30 बाय 24, है ना, सॉरी 30 बाय 12, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है ये सेम आएगा 30 बाय 12, और ये कितना हो जाएगा 40, यानी 20 बाय 8 बोल दो इसको, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में ढंग से मैं बताता हूँ, 30 बाय 12, और कितना था यहाँ पर 20 बाय 8, कितना कट जाएगा 4, और ये कट जाएगा 10 बाय 4, यानी कितना आ जाएगा 2.5। ये कितने बार में कट जाएगा 4, है ना, 3 4 12, और कितना हो जाएगा 10 बाय 4, मतलब ये भी 2.5, सेम आ गया, है ना। तो 2.5:2, 2.5, यानी 1:1 का रेशो है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि M अगर 1 होगा तो ऑक्सीजन भी कितना होगा, 1 ही होगा, तो क्या होगा MO। संपट पड़ी कि नहीं पड़ी, समझ गए। आपको लगता है चीज़ आपके काम की है तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद आ रहा है आपको आपके दोस्तों के शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, बाय बाय, है ना।